दोस्तों, आज के समय में जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे दोस्त कम होने लगते हैं और कई तो हमारे अच्छे समय में साथ होते हैं और बुरे समय में हमें अकेला छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विवेक वैली में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी से ये समझाऊंगा कि एक अच्छे दोस्त की तलाश अपने जीवन में कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि वहां पर एक भालू आ गया। उनमें से एक दोस्त तो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया, दूसरे ने भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया। उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू जब उसके पास आया और उसे सूंघने लगा, तो भालू उसे समझने लगा कि ये मर चुका है और वहां से वो चला गया। पेड़ पर बैठा हुआ दोस्त जब नीचे उतरा और उससे पूछा कि भालू ने तुमसे क्या कहा, उसने जवाब दिया कि भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी दोस्त की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं, तो हम उसी दोस्त के गम का हिस्सा भी जरूर बन सकते हैं और हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो लोग आसमान साफ होने पर आपको छाता उधार देते हैं, लेकिन बारिश होने पर उसे वापस ले लेते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मुसीबत आने पर आपका साथ नहीं देंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में दोस्त एक ही बनाए, लेकिन ऐसा बनाए कि जो आपके एक आवाज एक फोन कॉल पर आपके सामने हाजिर हो, चाहे रात हो या दिन हो, आपके हर एक मुसीबत में आपसे कंधा मिलाकर चले, दोस्त ऐसा बनाए। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए अपने जीवन में समय के साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी पहचान जरूर कर ले। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल विवेक वैली को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।